दोस्तों इस वक्त मैं खड़ा हूँ नोएडा सेक्टर 62 के आयोन डिजिटल जोन जहाँ SSC CGL टीयर 1 का पहली शिफ्ट का पेपर खत्म हुआ है। आइए जानते हैं बच्चों से कि पेपर कैसा आया था और कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। मैम आपका नाम? प्रियंका राजपूत। प्रियंका आपका SSC का एग्जाम कैसा गया? इट वॉज मॉडरेट बट ओके गया। तो इससे पहले आपने SSC का कोई एग्जाम दिया? हाँ दिया था। तो एग्जाम पैटर्न में आपको कोई चेंज लगा उस टाइम और इस टाइम? पहले इजी आता था काफी, है ना, तो पर अब उतना मतलब मॉडरेट लेवल का था। पहले अगर इजी था तो अभी मॉडरेट लेवल था। पहले से लेवल थोड़ा सा बढ़ा है? थोड़ा सा बढ़ा है लेवल। चलिए हम सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं। मैथ्स में कौन कौन से क्वेश्चन ज्यादा कवर किए थे टॉपिक्स की अगर हम बात करते हैं? मैंने DI किया था। और क्वेश्चन पेपर में मतलब कौन से क्वेश्चन थे ज्यादा? हाँ हाँ DI था जिसमें 5 क्वेश्चंस थे और मेन जो था वो हमारा ट्रिग्नो के क्वेश्चंस ज़्यादा आए थे एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स। हाँ ट्रिग्नो का एंड वही प्रॉफिट एंड लॉस के 2 क्वेश्चंस थे जिसमें एंड स्पीड डिस्टेंस का 1 था क्वेश्चन। बस आपने मैथ्स में 25 में से कितने अटेम्प्ट किए? मैंने तो 17 17 आपने करे, राइट। चलिए हम GS की बात करते हैं। GS में आपको कोई एक दो क्वेश्चन याद होगा क्योंकि उसमें याद हो सकता है? GS मैंने प्रिपेयर नहीं किया था तो मुझे याद नहीं है इतना। हाँ बस एक दो क्वेश्चन नहीं याद मुझे। तो मोस्टली क्या करंट अफेयर्स से ज्यादा? हाँ करंट अफेयर्स था। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ज्यादा थे। चलिए ये तो हो गया इसकी बात। अब इंग्लिश की हम बात करते हैं। इंग्लिश इजी थी। आपको चेहरे पे ऐसी आपकी बता रही है काफी इजी था। तो कौन कौन से क्वेश्चन थे सबसे ज्यादा इंग्लिश में? इंग्लिश में एंटोनिम्स सिनोनिम्स थे, ठीक है, और 5 क्वेश्चंस थे फिलिप्स वाले और पैराग्राफ नहीं आया था, कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग वो नहीं था एंड एरर के 2-3 क्वेश्चंस थे और 2 क्वेश्चंस जंबल सेंटेंसेस के थे। एंड व्हाट अबाउट रीजनिंग? रीजनिंग वाज गुड, मतलब इतना हार्ड भी नहीं था पर ठीक था। हाँ तो आपने ओवरऑल 100 में से कितने अटेम्प्ट? मैंने तो 67 ही किए। चलिए वेरी गुड। तो कितना श्योर है इस क्लियर होगा? नहीं लगता नहीं है। हाँ चलिए फिर भी ऑल द वेरी बेस्ट। आपका नाम? संदीप। संदीप आपका एग्जाम कैसे हुआ? बढ़िया बढ़िया। तो इससे पहले SSC का कोई अटेम्प्ट किया या फर्स्ट? ये मेरा पहला अटेम्प्ट था। क्लियर। फर्स्ट अटेम्प्ट को ध्यान में रखते हो, आपने किन चीज़ों को ध्यान में रखा जब आप फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए तैयारी कर रहे थे? मैंने तो मेरा मतलब मेन फोकस था कि थोड़ा GS ट्रिकी आ रही थी तो मैंने उसको थोड़ा ठीक प्रिपेयर किया था और बाकी में मतलब बाकी मैथ थोड़ी टफ आ रही थी तो उसको सोचा था लास्ट मिनट में, बट इस वाले स्लॉट में थोड़ी सी मैथ इजी है बट थोड़ा टाइम टेकन लग रहा था। चलिए आपने मैथ्स के बारे में बताया, हम रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में कौन कौन से क्वेश्चंस को मोस्टली कवर किया गया था? रीजनिंग में एनालॉजी के क्वेश्चंस आए हुए थे और सीरीज के क्वेश्चंस आए हुए थे। एक सीरीज थोड़ी सी ट्रिकी थी, एक थोड़ी आसान थी और एम्बेडेड फिगर पे आया हुआ था क्वेश्चन और वर्ड्स पे भी आए थे क्वेश्चंस, उसमें ऑड एंड आउट में वर्ड्स पूछे गए थे, ये सब आए थे, ये सारे क्वेश्चंस आए हुए थे इसलिए। और इंग्लिश में भी आया था। इंग्लिश की मोस्टली लोग बोल रहे हैं कि काफी इजी था सर। आप इजी इंग्लिश उतनी टफ नहीं आई थी। एक क्लोज टेस्ट आया था एटलस के ऊपर आया था, वो एटलस कुछ कैसे करके और वन वर्ड्स आया था और EDM आया था, बहुत हलवा टाइप का आया था वो, तो मतलब इजी थे। लास्ट पार्ट हम GS की बात करते हैं, तो GS में क्या क्वेश्चंस थे? GS में करंट अफेयर अच्छे क्वेश्चन पूछे हुए थे उन्होंने, एक दो क्वेश्चन आपको, जैसे कि अभी जैसे श्रीलंका ने मैच फिक्सिंग के ऊपर क्राइम के लिए क्वेश्चन पूछा था तो उसमें श्रीलंका ने बैन लगाया था, वो क्वेश्चन आया था एकदम डायरेक्ट उठ के, तो वो क्वेश्चन आया था। और फिर वर्ल्ड जूनियर रेसलिंग चैंपियनशिप में कौन जीता है, वो दीपक पूनिया है उसका आंसर है, वो आया था। ये सारे क्वेश्चन आए थे मतलब इस टाइप। और ज्वालामुखी से फटने से कौन सी गैस का वो होता है, ये क्वेश्चन आया हुआ था। और उन्होंने काफ़ी माधोपुर मेला कहाँ लगा था, गुजरात में हुआ था, ये आया था। ये सारे क्वेश्चन आए थे। तो आपने ओवरऑल 100 में से कितने अटेम्प्ट? 71 था मेरा। 71 तो थोड़ी सी स्पीड कम रहेगी, नहीं तो मैं पूरा पेपर कर देता। मतलब आधा आपको पूरा ही था? मुझे आता था पेपर काफी ज्यादा क्वेश्चन, बट वो था ना कि थोड़े से क्वेश्चन में टाइम टेक लगा था, रीजनिंग लिया था मेरा टाइम। मैथ में 20 क्वेश्चन कर दिए थे 15 मिनट में। चलिए आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था शायद इस वजह से आपको पता भी नहीं था टाइमिंग का, है ना, राइट। ऑल द वेरी बेस्ट एग्जाम सर। सर आपका नाम? रवि मिश्रा। आपका SSC का एग्जाम कैसे गया? एग्जाम ओवरऑल ठीक गया है। ठीक गया। इससे पहले आपका कोई अटेम्प्ट था SSC के लिए या फर्स्ट अटेम्प्ट? सेकंड अटेम्प्ट है ये। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में और सेकंड अटेम्प्ट में कोई एग्जाम में चेंज आपको लगा पैटर्न के? एग्जाम में चेंज बस इतना सा है कि इस बार का जो मैथ्स का पोर्शन है वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बाकी सब सेम। बाकी सब इंग्लिश को तो और भी इजी कर दिया है, इंग्लिश तो थोड़ा इजी आ रहा है। GS का पोर्शन है वो थोड़ा सा करंट अफेयर पे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं और रीजनिंग ओवरऑल थोड़ा टाइम टेकिंग है।
रीजनिंग को आपने टाइम टेकिंग बताया, तो रीजनिंग कौन से क्वेश्चंस थे, मतलब कौन से क्वेश्चन मोस्टली थे? किस पोर्शन में? रीजनिंग में वही जो क्वेश्चन, एक तो ट्राइंगल्स काउंट करने वाले आ रहे हैं और बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग मुझे लगा, रीजनिंग में थोड़ा टाइम लग गया। बाकी मैथ्स भी थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, पेपर ओवरऑल मैथ्स के अंदर आपका DI है ही और आपका वॉल्यूम से है ही क्वेश्चन, जो एरिया एंड वॉल्यूम से होता है और कैलकुलेशन के बेस प्रॉफिट एंड लॉस, सभी पैटर्न तो सेम ही है, बस थोड़ा सा ये है कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। मैंने थोड़ा ऐसा कुछ नहीं था कि किसी एक टॉपिक को ज़्यादा कवर किया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस हाँ अगर आप थोड़ा सा स्टार्टिंग से टाइम लेके चल रहे हैं तो फिर ठीक है, कोई इशू नहीं है। मैंने रीजनिंग में थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दिया, उससे थोड़ी प्रॉब्लम आ गई। इंग्लिश काफ़ी आसान बता रहे हैं, तो इंग्लिश को कौन से क्वेश्चंस कवर किए गए? इंग्लिश में सर आपका वॉइस था वो भी इजी था, पैरा एग्जांपल के 2 क्वेश्चन थे वो भी इजी थे, वो कैप्स के क्वेश्चन थे वो भी इजी थे, आप स्पेलिंग एरर्स के क्वेश्चन पे आ जाते हैं तो वो भी इजी थे, मतलब इंग्लिश ओवरऑल इजी था। इंग्लिश में 25 में 24 मेरा अटेम्प्ट है, तो मोस्टली उसमें सर 20 प्लस तो 100% एक्यूरेसी के साथ ही है। ओवरऑल 100 में से कितने अटेम्प्ट? ओवरऑल 100 में सर मैंने 82 करे हैं। 82 किए हैं, कहीं पे गेसिंग भी किया? बिल्कुल श्योर नहीं सर, देखिए जीके में तो मैंने कम ही अटेम्प्ट करे हैं, जीएस में, बाकी देखते हैं ओवरऑल चांस है। चलिए ऑल द वेरी बेस्ट सर। सर आपका नाम? करतार सिंह। करतार, आपका एग्जाम कैसा गया? हाँ ठीक था। आपको चेहरे से लग नहीं रहा ठीक, मतलब फर्स्ट टाइम दिया था ना? फर्स्ट अटेम्प्ट था आपका, तो फर्स्ट अटेम्प्ट के हिसाब से आपने कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखा था, मीन प्रिपरेशन करते वक्त कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में? इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान था। इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान दिया, तो इंग्लिश की हम बात करते हैं सबसे पहले। इंग्लिश में कौन कौन से क्वेश्चन थे जो मोस्टली कवर किए? इंग्लिश में मुश्किल थे थोड़ा, वो था ना जो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस होते हैं, वो थोड़ा मुश्किल था मेरे लिए वॉइस सबसे। हाँ वॉइस, और मैथ थोड़ा हार्ड था, रीजनिंग आसान थी। मैथ्स हार्ड था। कौन कौन से क्वेश्चन, मैंने कौन कौन से टॉपिक्स कवर किया था? मैंने ट्रिग्नोमेट्री किया था मोस्टली। हाँ वो भी मतलब इतना मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं था, मेरी तैयारी कम थी, इस वजह से मेरा फर्स्ट टाइम था तो इस वजह से आ गया, क्योंकि मेरी अभी ग्रेजुएशन कम्प्लीट नहीं है ना इस वजह से। चलिए ये हो गया, इसके बाद इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश कैसा? इंग्लिश हाँ ठीक हुई थी। हाँ मैंने पहले इंग्लिश अटेम्प्ट की थी। जी एस का कोई क्वेश्चन आपको याद है जो आया? जी एस का क्वेश्चन मुझे, हाँ मोस्टली तो करंट अफेयर आई थी, मोस्टली करंट अफेयर आई थी। तो आपने ओवरऑल 100 में से कितने अटेम्प्ट दिए? मैंने 100 में से किए थे 80 75 से 80। चलिए फर्स्ट टाइम तो आपका काफ़ी अच्छा आएगा, ऑल द वेरी बेस्ट दैट। हाँ सर आपका नाम? जयप्रकाश। जयप्रकाश, आपकी SSC CGL के एग्ज़ाम की तैयारी कैसी है? सर काफ़ी सही है, ये तो प्रीलिम्स तो निकल जाएगा। प्रीलिम्स निकल जाएगा, चलिए आपका कॉन्फिडेंस भी काफ़ी अच्छा है। इससे पहले अटेम्प्ट दिया आपने? नहीं ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। आप इतने श्योर? वेरी गुड। प्रीलिम्स का तो एटलीस्ट मुझे लगता है कि इजी आता है पेपर, बट इस बार जिस तरह के एग्जाम्स हो रहे हैं SSC के जो अभी हुए हैं 3 से लेकर, तो मुझे लगता है कि सिर्फ मैथ्स है जो थोड़ी सी टफ दे रहे हैं ये लोग, अदरवाइज अगर आप इंग्लिश देखो तो बहुत इजी है, इंग्लिश इजी है, और जो जनरल स्टडीज़ है वो पूरा का पूरा आप कह सकते हैं कि नवंबर से जो फरवरी तक का है वहीं से आया है, मतलब 11 से 12 क्वेश्चन आ रहे हैं 25 में से जो जनरल स्टडीज़ है, वो आपके द हिंदू में ऑलमोस्ट हर चीज़ अवेलेबल है, और अगर आप बाकी का हिस्ट्री और पॉलिटी देखें तो वो बहुत इजी आ रहा है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आप लूसेंट उठा कर देखें तो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको उसमें से मिल जाएंगे, और इंग्लिश भी आपका अगर आप द हिंदू रेगुलर पढ़ते हैं तो वो आराम से क्लियर हो जाएगा। लग रहा है कि आप एनालिसिस को काफ़ी अच्छे से फॉलो कर रहे हैं जो शिफ्ट्स का चल रहा है। हाँ जी, मतलब जो अभी हुआ है मैंने ऑलमोस्ट, मेरे को 1 वीक हुआ है, 1 वीक या 10 डेज हुआ है जब मैंने स्टार्ट किया था इसको देखना, तो मैंने देखा कि सारे के सारे क्वेश्चन ईजी हैं, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, रीजनिंग भी ईजी आ रही है, बट द प्रॉब्लम इज़ कि लोग मैक्सिमम 75 से 80 अटैम्प्ट कर पा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कट ऑफ जो है 125 से अबव जाएगी, बट हाँ अगर एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि ऑलमोस्ट 8 से 9 लाख जो है देने वाले एग्जाम्स, तो उसमें से 1.5 लाख ये उसको निकालेंगे, तो 1.5 लाख जो सेलेक्ट होंगे प्रीलिम्स में उनकी कट ऑफ 120 से अबव या 125 से अबव नहीं जाएगी। हाँ जी, चलिए आपने इंग्लिश का बता दिया, आप हिंदू को फॉलो करते हैं वहाँ से इनफ है उसके लिए, मैथ्स की हम बात करते हैं, तो मैथ्स की प्रैक्टिस कैसे, कहाँ से आपने की? मैथ्स की सर जो प्रीवियस ईयर्स जो है अगर आप SSC को उठाकर देखेंगे या फिर SSC की किसी भी एग्जाम का उठाकर देखेंगे, तो उसी टाइप के उसी पैटर्न के क्वेश्चंस बार बार ये रिपीट कर करके पूछ रहे हैं, तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं है, ना ही इतना ज़्यादा टफ है, बिकॉज आपके पास 1 आवर का टाइम है, 1 आवर में आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं, तो ये ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन पेपर दे भी नहीं सकते, बिकॉज नहीं हो पाता है, कंप्लीट नहीं हो पाता है, इसके अकॉर्डिंग काफ़ी कम होता है। चलिए रीजनिंग की अगर हम बात करें तो, हाँ जी रीजनिंग ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, बट द प्रॉब्लम इज कि बस टाइम कंज्यूमिंग होता है थोड़ा सा, हाँ अदरवाइज काफ़ी ईजी है, बट ये है कि अगर आपने मैथ्स या फिर किसी और सेक्शन में ज़्यादा टाइम दे दिया है तो आपको वो ज़्यादा लगेगा कि हाँ टफ है। और GS के लिए सर, क्योंकि अभी तक जितना आपने एनालिसिस किया उसके हिसाब से करंट अफेयर्स को काफ़ी ज़्यादा इंक्लूड किया जा रहा है क्वेश्चन, स्टार्टिंग में करंट अफेयर्स जो था वो 5 से 6 क्वेश्चंस थे, बट जैसे जैसे ये आ रहा है आगे वो बढ़ा रहे हैं उसको, 11-12 कर रहे हैं,
और बाकी हिस्ट्री पॉलिटी ये सब तो बहुत बेसिक वो पूछ रहे हैं। हाँ जी बहुत ज़्यादा बेसिक है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। तो आपने कोई मिनिमम टारगेट सेट किया है कि आउट ऑफ 100 आप इतने अटेम्प्ट करने वाले? मेरा एवरेज है कि 75 से 80 मेरा होगा, जिसमें से मेरा 125 या 130 मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरा स्कोर होगा। बिल्कुल कट ऑफ के हिसाब से अपने प्रिपरेशन हिसाब से, बिकॉज इतना ईजी तो नहीं है क्लियर करना, बट हाँ कोशिश यही है कि मैं अपना बेस्ट देंगे अगर मैथ्स का अच्छा चला जाता है, बिकॉज मुझे पता है कि रीजनिंग है, इंग्लिश है और जीएस है, वो तो मेरा अच्छा चला जाएगा, बट अटेम्प्ट कितना कर पाऊंगा वो थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज मैक्सिमम यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको सब कुछ आता है ऑलमोस्ट, बट द प्रॉब्लम इज पेपर किसका कंप्लीट होता है वो ज़्यादा मैटर करता है। हाँ जी सर, हम भी आप यही आशा करेंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका क्लियर हो जाए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट एग्जाम। सर आपका नाम? अर्पित मिश्रा। अर्पित, आपका एग्जाम कैसे? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। हाँ, इससे पहले आपने एसएससी का कोई अटेम्प्ट दिया था? हाँ, तीन दे चुका हूँ। ये आपका चौथा था? तो एग्जाम पैटर्न में आपको कोई चेंज लगा पिछले तीन में और इस बार में? हाँ, इस बार मैथ्स थोड़ा कैलकुलेटिव थी, इजी था कॉम्पिटिटिवली, बट कैलकुलेटिव था और रीजनिंग टाइम टेकिंग था लास्ट टाइम के कंपैरिजन से। चलिए हम सब्जेक्ट वाइज ही बात करते हैं फिर, मैथ्स की हम सबसे पहले बात करते हैं। आपने कैलकुलेटिव बताया तो कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए गए थे सबसे ज़्यादा? और ट्रिग्नोमेट्री था, न्यूमेरिकल्स वाला सेक्शन था काफ़ी, और वैसे हर टॉपिक्स था जो भी प्री में हम लोग कवर करते हैं सब चीज़ था, तो बस कैलकुलेटिव था तो जिसका हाथ सेट है वो कर ले जाएगा। 25 में से आपने मैथ्स में कितने अटैम्प्ट? मैंने 15 किए होंगे। 15 आपने किए हैं। चलिए हम इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश में इंग्लिश कैसी थी? इंग्लिश ईजी है। ईजी है। कौन कौन से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कवर किए थे? सिनोनिम एंटोनिम्स और एरर्स वाला, ये सबसे इसमें। तो उसमें से आपने 25 में से कितने अटेम्प्ट किए? मैंने किए हैं अराउंड 23 करिए हैं। 23 के, चले काफ़ी अच्छा स्कोर आप किया है। इसके बाद हम बात करते हैं जीएस की। जीएस में आपको कोई क्वेश्चन याद है? क्वेश्चन ऐसा सो नहीं याद है, वो एक T20 में वेमेन कोई है तो उसका हाईएस्ट स्कोर होगा, तो उसका कंट्री पूछा था। करंट अफेयर्स ज़्यादा थे? करंट अफेयर्स हाँ मिला जुला था, करंट अफेयर्स ही होते हैं वो, स्टैटिक्स होता है वो। Exactly. तो आपने 25 में से कितने अटेम्प्ट किए? वो याद नहीं है, ओवरऑल मैंने 78 अटेम्प्ट किए हैं। तो 100 में से आपने 78 अटेम्प्ट किए, राइट। चलिए और एक सब्जेक्ट आपका बचता है उसमें आपने कितने अटेम्प्ट किए? रीजनिंग। मुझे याद नहीं है बट ये है कि अच्छा मैक्सिमम किया है उसमें स्कोर। तो उसमें आपने कौन कौन से क्वेश्चन उसमें कवर किए गए थे? सिलॉग्स ज़्यादा था, सीटिंग अरेंजमेंट थी, सीरीज थी, क्या था? नहीं, सीरीज था और न्यूमेरिकल बेस्ड जितनी भी रीजनिंग हो सकती है और टेबल वाली या सीरीज है सब था। तो पिछली बार आप 3 अटेम्प्ट कर चुके हैं, ये आपका चौथा अटेम्प्ट था, तो आप कितने श्योर हैं कि ये प्री आपका निकल जाएगा? प्री तो ऑलरेडी निकल जाएगा, मैं पिछले 2 बार से निकल रहा है, आगे मेंस की तैयारी करनी है। तो आपने मेंस की तैयारी पहले से कर रखी है या अभी स्टार्ट करेंगे? अभी स्टार्ट करूंगा। चलिए ऑल द वेरी बेस्ट सर। सर आपका नाम? वरुण। और आपका एग्जाम कैसा गया? ठीक था। ओवरऑल एग्जाम कैसा है? ईजी था। इससे पहले आपने एसएससी का एग्जाम दिया था? हाँ दिए। तो पैटर्न में कोई आपको चेंज लगा इस बार? नहीं, पैटर्न में ऐसा कुछ चेंज नहीं था, पेपर नॉर्मल था। अगर हम रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग के अंदर कौन से क्वेश्चंस ने मोस्टली पार्ट कवर किया हुआ? मुश्किल पार्ट नहीं था, मतलब ऐसा कुछ। मोस्टली पार्ट कौन से क्वेश्चंस ने कवर किया? मतलब जो फिगर वाले थे, एम्बेडेड फिगर वाले जो थे। और इसमें इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं? इंग्लिश बहुत सिंपल थी। बहुत सिंपल थी। कौन कौन से क्वेश्चन आए थे इंग्लिश में? तो मतलब आपका वही सिनोनियम एंटोनियम और आपका जंबल वर्ड्स ये सब आए थे, फिल इन द ब्लैंक्स ये सब। और मैथ्स के अंदर? मैथ्स में थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट था। तो उसमें कौन कौन से टॉपिक्स थे क्वेश्चंस थे? मैथ्स में आपका ज्योमेट्री ज़्यादा थी, ज्योमेट्री मेंशुरेशन वो उनके पास थे, 5-6 क्वेश्चन उनके थे। और जीएस के अंदर? जीएस में करंट अफेयर्स ज़्यादा थी और उनमें फाइनेंशियल टाइप का थोड़ा फाइनेंशियल पार्ट ज़्यादा था। तो कोई एक आध क्वेश्चन अगर जीएस का आपके याद है? जीएस का हाँ, उसका एक तो आपका मर्दानी का कुछ अवार्ड था वो उसका था। तो आपने ओवरऑल 100 में से कितने अटेम्प्ट? 82। सारे श्योर थे? नहीं, अभी सारे श्योर नहीं थे। उसमें तुक्का लगाया? हाँ, जीके में कुछ थोड़ा बहुत तुक्का लगाया है, मतलब ओवरऑल अटेम्प्ट अगर आप ठीक से करके जाओगे तो 85-90 हो जाएंगे आराम से। ऑल द वेरी बेस्ट एग्जाम। सर आपका नाम? शशांक। शशांक आपका एग्जाम कैसा गया ओवरऑल? ओवरऑल ठीक था, जीएस थोड़ा सा हार्ड आया था। जीएस में मोस्टली पार्ट क्या, करंट अफेयर्स से या जीएस क्वेश्चंस से? करंट और यही एंशिएंट वेंशिएंट के एक दो क्वेश्चन थे। कोई आपको एक आध क्वेश्चन याद है जीएस का? जीएस का क्वेश्चन मेरे को कोई डायनेस्टी से था, नाम तो नहीं याद आ रहा अभी। चलो कोई नहीं। मैथ्स में कौन से क्वेश्चन, कौन से टॉपिक ज़्यादा कवर थे? मैथ्स में तो सब आसान थे, मतलब ऐसा समझ लो न्यूमेरिकल एबिलिटी के नाम पर वही बोर्ड मार्क्स वाला सब, मतलब सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे। और रीजनिंग के अंदर? रीजनिंग में 3-4 क्वेश्चन छोड़ के बाकी आसान थे। तो आपने ओवरऑल 100 में से कितने अटेम्प्ट करे? 82। सारे श्योर? लगभग। चलिए ऑल द वेरी बेस्ट। आपका नाम? सर मेरा नाम मयंक है। मयंक आपका एग्जाम कैसा गया?
एग्जाम अच्छा हुआ, मतलब इजी था, मैथ काफ़ी इजी आया हुआ था, जीएस थोड़े से एक दो क्वेश्चन आउट ऑफ ओड वन थे। और इससे पहले एसएससी का कोई अटेम्प्ट दिया था? हाँ, मैंने 2018 का दिया था। हाँ जी, तो एग्जाम पैटर्न में आपको कोई चेंज लगा उस टाइम के और इस टाइम? नहीं सर, एग्जाम सेम पैटर्न था। तो रीजनिंग की बात अगर हम करते हैं तो रीजनिंग में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कौन से टॉपिक से कवर थे? सर रीजनिंग में ओड वन आउट, ये एनालॉजी के क्वेश्चन थे, और रीजनिंग में जो बॉक्स वाले क्वेश्चन है मिसिंग नंबर, वो थोड़े से ट्रिकी थे, दो क्वेश्चन थे, दोनों ट्रिकी थे, सोचना पड़ रहा था, और ट्रायंगल वाला क्वेश्चन भी डिफिकल्ट था काउंट करने के लिए। और अगर हम मैथ्स की बात करते हैं? सर मैथ्स तो बहुत ज़्यादा इजी आ रखी थी, कल की शिफ्ट को देखते हुए सेकंड शिफ्ट कह रहे थे कि बहुत कैलकुलेटिव है, बट ये वाली मतलब बहुत इजी आई हुई थी मैथ, कहीं पे भी याद नहीं रहा, मतलब एक फ्लो में चलता गया। और इंग्लिश के अंदर? इंग्लिश तो सर एक दो क्वेश्चन थे ट्रिकी थे जो, बाकी इंग्लिश आसान थी। चलिए जीएस की हम बात करते हैं, जीएस में कुछ क्वेश्चन होंगे आपको जो याद होंगे। सर एक तो विक्रमादित्य एरा कब स्टार्ट हुई थी, और एक एनर्जी इंडेक्स है वर्ल्ड एनर्जी इंडेक्स, वो किस एजेंसी ने रिलीज करा था, ठीक है, और करंट के क्वेश्चन थे, अभी सच याद नहीं आ रहा। मोस्टली पार्ट करंट अफेयर्स से कवर किया, करंट के थे 6-7 क्वेश्चन तो आराम से थे करंट के। आपने ओवरऑल 100 में से कितने अटेम्प्ट किए? सर मेरे 96 अटेम्प्ट है। 96, चलिए सर काफी अच्छा अटेम्प्ट किया, ऑल द वेरी बेस्ट एग्जाम सर। दोस्तों आज हमने जाना कि एसएससी सीजीएल टीयर 1 का एग्जाम कैसा आया था, एग्जाम का लेवल कितना हार्ड था, कितना इजी था, और कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जाम्स के अंदर पूछे गए थे। ऐसे ही अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के एनालिसिस के लिए बने रहिए अवर एजुकेशन के साथ। सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स ऑन टाइम।